नकली घी और असली घी पर आपने कई चर्चाएं सुनी होगी, तो आज हम आपको एक ऐसे घी के बारे में बताने जा रहे हैं जो है तो बिल्कुल शुद्ध और यूनिक, लेकिन इसकी कीमत इतनी है कि आप इसमें लेटेस्ट आईफोन 15 खरीद सकते हैं। राजकोट में एक गौशाला है जहां गिर की गायों का घी काफी फेमस है। वजह है इसकी कीमत। यहां देसी घी की कीमत 3500 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए प्रति किलो तक है। ये घी असली है या नकली, इसको लेकर कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन जब हम गिर की गाय के इस घी की बात करें तो ये पूरी तरह से प्योर है और इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती। आप लोग ऑनलाइन घी तो ऑर्डर कर देते हैं लेकिन असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन राजकोट के गोंडल में इस देसी घी की बात ही अलग है। इस गौशाला के मालिक हैं रमेश भाई रूपारेलिया। इनके पास 200 से अधिक गाय हैं। अगर आप भी इस घी को खरीदना चाहते हैं तो रमेश भाई से जाकर इसे खरीद सकते हैं। इस घी में जो औषधि मिलाई जाती है उसकी कीमत 6 लाख रुपए प्रति किलो है। बता दें कि 31 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। रमेश भाई 15-17 साल से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, डॉन का पीछा तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। वैसे इस देसी घी की डिमांड भी अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब जैसे कई जगहों में है। इस घी के मालिक रमेश भाई का कारोबार 40 लाख रुपए है। वे अपने उत्पाद बेचकर प्रतिमाह 30 लाख रुपए का कारोबार करते हैं। वे दिन ब दिन अपना बिजनेस लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में रमेश भाई का सालाना टर्नओवर 3-4 करोड़ रुपए है। जय गो माता वंदे गो मातरम। मेरा नाम रमेश भाई रूपारेलिया, मैं गोंडल गुजरात से हूँ। गिरगो जतन संस्थान नाम की एक कंपनी चलाता हूँ। वो कंपनी में हमारे पास 200 से अधिक गिर गाय है सुपर वन, और उस गाय का हम दूध नहीं बेचते हैं, मात्र घी, छास, गोबर और गौमूत्र, इसी से गौशाला आत्मनिर्भर है। और अलग अलग प्रकार के हर्ब घृत बनाते हैं हम, 3500 से लेके 2 लाख तक का किलो घी बनाते हैं। उसमें अलग अलग विधि विधान से, अलग अलग शास्त्रों के संदर्भ के हिसाब से उसमें औषध डले जाते हैं। जो कुछ औषध ऐसे हैं कि जिस औषधों के आधे आधे किलो के 3-3 लाख रुपया रेट है, ऐसे औषध डाले जाते हैं। तो ऐसे औषध डालने के बाद जो है ये घी का रेट इतना होता है, और उसके बाद बहुत सारे व्यवस्थाएँ बनाते हैं। 31 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है, उसके बाद उसकी पैकिंग, उसकी पार्सलिंग और कस्टमर के घर तक पहुंचने की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों को देख के हमारे यहाँ 140 परिवार को गाय के माध्यम से रोजगार मिलते हैं। ये पिछले 15-18 साल से हम लोग ये चला रहे हैं। वैसे तो हम पारंपरिक तो गोपालन ही है, हमारे घर में परंपरा से गोपालन हो रहा है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं, 26 देश के लोग ट्रेनिंग ले गए, 14,000 लड़के लड़कियों को हमने गोपालन से रोजगार की ट्रेनिंग भी दिया है। उसके बाद हमारे यहाँ 140 लोगों को रोजगार भी मिलता है। गोपालन एक बहुत बड़ा रोजगार का सोर्स है। गोपालन के माध्यम से हम चाहेंगे तो पूरे गांव को रोजगार दे सकते हैं। गोपालन के माध्यम से गाय आधारित कृषि करके हम पूरे विश्व को निरोगी और तंदुरुस्त बना सकते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जैविक खाना दे करके। तो गाय आयुर्वेद, अध्यात्म, कृषि और विज्ञान उसका केंद्र बिंदु है, और उसी नज़र से हम उसको देखेंगे तो गाय बहुत बड़ा अवसर बन सकती है, पूरे विश्व को तंदुरुस्ती प्रदान कर सकती है।